Get all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. तंग आ गया हूं मैं तुमसे और तुम तलाक की बात कर रही हो। अगर मुझे किसी को तलाक देनी होगी ना तो तुम्हें दूंगा तलाक। हटो नूर। बोलो। सर आपकी सिस्टर ने अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। तुमने ये सब? मैंने बोला निकलो। लगता है हम ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे को मैंने जिंदगी में शायद ही कभी कुछ ऐसा किया हो जिस पे मैं इतना शर्मिंदा हूं जितनी शर्मिंदगी आज महसूस कर। समझ में नहीं आ रहा है कैसे माफी मांगू तुमसे। हाँ लेकिन जानता हूं तुम्हारा इतना जर्फ है कि मुझे माफ कर दोगी क्योंकि जो कुछ भी मुझसे हुआ वो अनजाने में हुआ मुझसे। मैं तुम्हें लेने आया हूं। घर चलो मारिया। क्या बात है, आपने एक जुमले में अपने जुर्म का इतराफ करके मेरे सर्फ का हवाला देके उस जुर्म का फैसला भी कर लिया, खुद को माफ भी कर दिया। कैसे सोच लिया आपने ये कि मैं आपको माफ करूंगी? आप जानती भी हैं कि मैं किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजरी हूं। मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा था। अगर मेरी औलाद को कुछ हो जाता तो क्या होता? उसके कातिल आप होते। कुछ अंदाजा है इस बात का आपको? क्या आपने जरा सा भी नहीं सोचा हमारे बारे में? मैं मानता हूं बगैर तहकीक किए मैंने तुम्हें गुनहगार समझ लिया, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया। ये सब बेबी की चाल थी हमें दूर करने के लिए। शक ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था मारिया, मेरा यकीन करो। और जब मैं आपसे यही बात आपको बार बार बताती रही, आपने मेरी एक बात पे यकीन नहीं किया। और आज जब आपको ये सारा सच पता चल चुका है तो आप मुझसे माफी मांगने आए? मैं शर्मिंदा हूं, दिन से शर्मिंदा। कैसे करूं आपकी इस बात पे यकीन? बता दें आप मुझे, अगर कल की रात को कोई और शख्स आपको मेरे बारे में कुछ कहेगा आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे और फिर से मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी उस वक्त? क्या सिर्फ और सिर्फ आपकी गैरत और अनायत, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी कोई इज्जत नहीं है आपकी नजरों में? बिल्कुल है, इसीलिए तो तुमसे माफी मांग रहा। प्लीज माफ कर दो मुझे, घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हूं। मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। आपको भी उसी तकलीफ और उसी कर्व से गुजरना पड़ेगा जिससे कि मैं गुजरी हूँ, जो मैंने सहा है ना, आपको भी वही सहना पड़ेगा। मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। मारिया प्लीज। मैंने आपसे कहा ना आप यहाँ से जाएं, मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है। अब मैं आपके साथ उस घर कभी भी वापस नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। आपके बगैर कैसे रहूंगी अम्मी, मैं क्या करूंगी? अब एक बार सच से बात करके तो देखे प्लीज। बात करने को कुछ राह कहाँ है बेबी?
खानदान का कोई भी घर तुम्हें रखने को तैयार ही नहीं। साहिर जो अपने सगे भाई की ना हुई उस पर कौन भरोसा करेगा। रम्मी मुझे उन लावारिसों की तरह तो ना छोड़ दो। अच्छा है कुछ दिन अकेली रहो, शायद तुम्हें रिश्तों की कदर आ जाए। मैं अभी भी तुम खुश नसीब हो, कितना सब होने के बाद भी असद मियां ने तुम्हें किराए का घर लेकर दिया। हम हार रहो, सोचो पछताओ ने किए अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें माफ कर दे। तुम्हारी आखरत का सोचते हैं तो हमारी रूह काम जाती है। अजय अजय प्लीज देखो मुझे ना एक बार आखिरी मौका दे दो। कसम खा के कह रही हूँ मैं सब कुछ भी नहीं करूँगी जिससे सब तुम्हें या किसी को भी किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी शर्मिंदगी क्या मुझे मेरी जिंदगी वापस ला कर दे सकती? मेरी बीवी जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती उसका दुख और गुस्सा कम कर सकती? मारिया ने कह दिया अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। तुमने मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली बेबी, मेरा सब कुछ छीन लिया। हमें तुम्हें बहुत पहले ही तुम्हारे घर भेज देना चाहिए था, इस तरह शायद तुम्हारा घर भी बचा रहता और मेरा भी। ड्राइवर तुम्हें तुम्हारी फ्लैट छोड़ाएगा, माना खर्चा भी तुम्हें मिलता रहेगा। इंसान कितना भी जमा कर ले काम उसके सिर्फ उतना ही आता है जितनी उसकी जरूरत होती। अपनी हिर्स और लालच पर काबू पाना सीखो, शायद जिंदगी गुजारने में आसानी हो जाए। आप ऑफिस से भी इतना जल्दी निकल गए? मैं सारा दिन से आपको कॉल्स मिला रही हूँ लेकिन हमारी बात ही नहीं हो सक रही है। मैं टूट गया हूँ।
बहुत गलत हो गया। अरे अपनी बेकसूर बीवी पर शक करके उसकी बेइज्जती की, उसे घर से निकाल दिया, क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। क्या मतलब, ये सब आपको कैसे पता लगा? बेबी की साजिश थी, उसने तो मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया, मेरा घर ही नहीं बसने दिया उसने, साथ अपना घर भी उजाड़ गए। मेरे खुदाया, अब मैं क्या कहूँ, बीबी बाजी ने तो आपको और मेरा रिश्ता भी खराब कर दिया था, और अब ये सब। कितना काम आ रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं वफादार हूँ, कोई हम दोनों को अलग करने की साजिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी सुनी, धुतकारता रहा उसे, उस पर शक करता। मेरी बीवी ने पहले ही अपनी जिंदगी में पैगाम देखे थे और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बुलाने। अर्शद, आपको गुमराह किया गया था, इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर है बिल्कुल, क्यों मैं शक की आग में अंधा हो गया था, बगैर तहकीक के क्यों इल्जाम लगाया मैंने अपनी बीवी पर। नफरत हो रही है मुझे आपसे, मारिए के बगैर कुछ नहीं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ऐसे, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने मारिया से बात की, आप उसके पास गए? आ गया था। वो तो इतना दुखी है कि उसका गम मुझसे बहुत बड़ा है। मैंने माफी मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन उसने साफ कह दिया वो नहीं है कि वो मेरा होने वाला बच्चा। इन लोगों के अलावा मेरा और है कौन, मेरे पास कोई जीने की वजह नहीं है हम दोनों के बगैर। अर्शद प्लीज, हिम्मत करें, खुदा का वास्ता है, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखें। अब थोड़े दिनों बाद मारिया के पास जाइएगा, क्या पता उसका दिल तब तक पिघल जाए और वो आपको माफ कर दे। क्यों वो माफ कर देगी मुझे? क्यों नहीं, अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगेंगे ना तो आपको जरूर माफ कर देगी, आप बस हौसला रखें। मैं वापस आऊं तो नजर ना आए मुझे। मिलते हमको
ऐसा ना हो कि तुम्हारी आस्तीन में तो सांप पलता रहे। पर तुम अपने सगे रिश्तों पर तोहमते लगाते रहो। मैंने ही करवाई थी मारिया और फहद की तलाक। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। बात करने आई हो या फिर देखने आई हो कि मस्जिद के बगैर जी सकती हूँ? मैं मस्जिद के बगैर जी सकती हूँ। उन्होंने ही मुझे खुद से दूर करके इतना काबिल बना दिया कि उनके बगैर मैं जी लूँ। मगर वो तुम्हारे बगैर जी सकेंगी कि नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जब तक इन्हें सच्चाई नहीं पता चली थी, मुझसे बदगुमान थे तो जी रहे थे ना मेरे बगैर। जो उनका हाल था ना, मैं उनके हाल से वाकिफ हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी मारी। शायद तुम जानती हो कि मैं और अरशद 10 साल तक एक दूसरे से मंसूब रहे हैं। हमें एक दूसरे की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर हालात ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद जो खाली पर उनकी जिंदगी में पैदा हो गया था ना, मेरी गलत फहमी थी कि मैं उसे दूर कर दूंगी। मगर कल जब मैंने उनको तुम्हारे लिए रोते देखा ना, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हारी जगह उनकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। अगर ये बात थी ना, तो वो अपनी जिंदगी से और उस घर से इतनी बेदर्दी से मुझे निकालने से पहले कम से कम एक बार सोचते। मारिया वो इंसान है और इंसान खता का पुतला होता है। उन्हें जो तस्वीर का रुख दिखाया गया वो बकायदा एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत तुम्हारे लिए उनके दिल में शक पैदा किया गया। अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचो।
तुम्हारे साथ भी तो यही किया था ना बेबी बाजी ने, जिसकी वजह से तुम्हें मुझ पे और अर्शद पे शक हो गया था, जबकि हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बदगुमानी तो किसी के भी दिल में पैदा हो सकती है ना, असल बात तो ये है कि कौन उस बदगुमानी को अपने दिल से साफ करता है या नहीं, ये मैटर करता है। मारिया, अर्शद को एक मौका दो, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, उनका जो दिल है ना वो हीरे का दिल है, और मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हें हीरे की कदर करनी आती है। तनी तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बेबी बाजी को भी घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैं बस इतना ही कहूंगी कि तुम्हें सोचना चाहिए। चलती हूं अंबर। जानती हो जिंदगी में कभी कभार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको जिंदगी ना दूसरे रुख से देखने पे मजबूर कर देते हैं और आपको किसी गलत फैसले से रोक देते हैं। थैंक यू मुझे जिंदगी का वो रुख दिखाने के लिए। चलिए ध्यान रखो। थैंक यू। तुम भी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी सारी मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सकता, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा देखो ये। क्या करनी है रेहान? मैं इतनी खुदगर्ज हो तुम, जानती हो नूर तुम्हारे लिए कितना रोती है, दिन रात याद करती है तुम्हें। वो क्या समझाऊं मैं उसको, क्या समझाऊं उसको कि तुम्हें तो किसी की मोहब्बत की कदर ही नहीं थी। ज़हनी तौर पर तो तुम पहले ही तलाक ले चुकी थी, मैंने तो सिर्फ रस्म पूरी की है। और एक बात याद रखना, तुम फहद के पास तो चली गई, कभी खुश नहीं रहूंगी उससे। ठीक कह रहे हैं आप, कभी खुश नहीं रह सकोगे ऐसा ही कि नहीं। हाँ तो मुझे धोखा दे दिया गया। वो मुझसे सिर्फ मारिया का बदला ले रहा था, उसका बदला पूरा और वो चला गया। मैंने आप सबको धोखे दी, आज जब वो धोखा खाया है तो आंखें खुली है मेरी। बहुत ही अच्छा हुआ तुम्हारा,
बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए था। क्या लगता है तुम्हें, तुम मेरे पास ऐसे आओगी, आंसू बहाओगी तो मुझे तुम पर तरस आ जाएगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, या फिर हमदर्दी जताऊंगा? तो आपकी हमदर्दी के भी काबिल नहीं, शायद यही मेरी उम्र भर की सजा है। एक बार मुझे नूर से मिलवा दे। कौन सा नया ड्रामा है? तुम मुझसे नूर से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर चुकी हो अरीना। कभी नहीं मिलने दूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं। प्लीज ऐसा जुल्म मत करें, मुझे एहसास हो गया कि जो आपके पास हो आपको उसकी कदर कभी नहीं होती। मुझसे आज नूर जुदा हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे जिस्म का हिस्सा काट के फेंक दिया। प्लीज यार, बस मुझे एक बार, बस आखिरी बार उससे मिलवा दे, फिर शायद मैं अपनी सारी जिंदगी उसी एक मुलाकात के सहारे गुजार दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे नूर से मिलवा दे। मैं आपका ये एहसास कभी नहीं भूलूंगी। तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? सब कुछ उजाड़ कर सारी कश्तियां जला कर गई थी यहां से? जिस बच्ची को तुमने कभी अपना माना ही नहीं उसकी याद में तड़प कर आई हो? माफी मांगना चाहती थी आप सबसे, और शायद मैं तो आप लोगों की माफी के भी काबिल नहीं हूं। जिन रिश्तों को मैं ओत समझती थी आज पता चला वही तो मेरे अपने दिल का सुकून है। बाद में मेरे साथ धोखा किया मारिया, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने कहा था। पर शायद उसका ये करना भी जरूरी था, वरना मुझे कभी एहसास ना होता कि कौन से रिश्ते मेरे सच्चे थे। मैंने आपका ध्यान, आपका और इस मासूम बच्ची का बहुत दिल दुखाया। आर्या, तुमसे तो मैं तस्वीर मिलाने के भी काबिल नहीं। अपनी गलतियों का मजाला नहीं कर सकती, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं
मत रोए आप, काफी रह गई है ना, अब आप नहीं रोए। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती मेरा बच्चा, मुझे मुझसे मिलना हो बाबा से कहना वो मुझे मुझसे मिलवा देंगे आपको। मेरी नजरें हमेशा आपके लिए तरसती रहेगी। नहीं मम्मा, कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरे पास ही रहेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत करो, कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी है मुझे, पूरे ऑफिस के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं इज्जत के सामने। ये मेरे साथ नहीं, हर इंसान के साथ गलत कर चुकी है। अरे इतनी एहसान फरामोश है ये, किसके लिए है वो मिसाल कि जिस ताली में खाती है उसी में चैत करती है। इनके साथ आज तो तुमने झूठ की सारी हदें पार कर ली, ये था जरूरी काम। बेबी अभी मीटिंग खत्म हुई है, लोगों ने लंच के लिए ज्वाइन किया है। बस कर दो, कम से कम बच्चों के सामने अपना झूठ का पटोरा ना बंद रखो। मैंने आज तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, तुम लोगों की देखी है मैंने करतूत। इनके लिए तो सब कुछ इनकी बीवी है, अभी अरेंज मैरिज हुई है इनकी तो ये हाल है। लव मैरिज हो जाती तो काम धाम छोड़ के अंबर के कदमों में बैठे रहते। पड़ा रहता उसके कदमों में मैं, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी जो तुमने होने नहीं दी मेरी। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी किया ये सोचे समझे बगैर किया कि किसी और को उससे क्या नुकसान होगा, और इस सब में मैं इतना आगे निकल गई कि अपनों को ही बहुत पीछे छोड़ आई। आज मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी माँ और मेरा भाई सब मौजूद हैं, मगर कोई मेरे साथ नहीं। साथ है तो बस मेरा पछतावा और मेरी तन्हाई। दुख को सबसे बड़ा दुख जानकर सबसे बदले लेती आई। ये सोचे समझे बगैर कि जो कर रही हूं उसका मुझे सिला भी तो मिलेगा। अपनी हर बुराई को खुद पर किए गए जुल्म का सोचकर जस्टिफाई करती रही, लेकिन वो जो मुंसिफ है वो तो सब देख रहा था। हैरान जाम न जाने कब से तैयार हो रहा था, और आखिरकार मैं पहुंच ही गई अपने अंजाम तक। खाली हाथ, खाली दामन। अब मेरे नसीब में सिर्फ इंतज़ार है, किसी के रहम का इंतज़ार, किसी के तर्स का इंतज़ार। मेरा तुम जल्द चाहते हो, मैं तुम्हारे तुम्हारी बच्चे को गलत कह रही हूँ। तो माँ खराब हो गया आपका क्या, अपने भाई की औलाद के बारे में इतना सब कुछ बोल रही है, शर्म है आपके अंदर।
मैंने खुद ही अपने आप को ऐसी जगह ला खड़ा किया है कि अब मुझे अपनों की मोहब्बत भीख में भी मिले तो मैं कबूल कर लूँ और उनके पास वापस लौट जाऊँ। काश जिन औरतों को अपनी शादी अपने घर की कदर नहीं होती वो यूं ही मेरी तरह जिंदा तरकोर होती हैं। मुझे हर रिश्ता में असर था पर मैंने नाशुक्री की, मैंने हसद की और अपनी साजिशों से कितनों का दिल दुखाया। मेरा नसीब मेरी सजा यही है कि अब पशेमानी और पछतावा उम्र भर मेरे साथ होंगे। मैंने कहा ना जाके अपने बाबा से करो। मम्मा प्लीज आपकी ड्राइंग को चिंपा प्लीज। ये क्या किया तुमने? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमारी बच्ची आई, हमारे घर की रौनक। कैसी हो आप? तुम आ गई हो ना तो हम अच्छे हो जाएंगे। मारिया बेटा हम माफी मांगना चाहते हैं तुमसे, जो हमारी वजह से या बेबी की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह, जिस तरह मेरी अम्मी मेरे लिए है ना, आप भी बिल्कुल वही हैं मेरे लिए। जी तेरा, तुम्हें पता है कि हमारा ये घर तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है, बल्कि हमारा क्या, शी तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, तुम इस घर की नहीं हमारे दिलों की भी मालकन हो, और मालकन के बगैर घर अधूरा ही होता है। और असजद, अब तुमने अगर हमारी बहू को सताया ना, हमसे बोला कोई नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जाओ बेटा आराम करो तुम। मारिया जी यहां बैठो मेरे पास। I'm sorry, Maria. मैंने ना चाहते हुए तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारा कसूर ना होते हुए भी तुम्हें सजा दी। तुम्हें क्या खुद को ही सजा दे। जानती हो जब तुमने कहा मुझसे कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, मुझे लगा मेरा सब कुछ ही चल गया। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। कोई सच बात बताओ, मैंने भी वो फैसला अपने दिल पे पत्थर रख के किया था,
आप जानते हैं मेरा आपके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। मैं नहीं जी सकती हूँ आपके बगैर। आई प्रॉमिस यू आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी तुम्हारी वफा पे शक नहीं करूंगा। मैं अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी अदावत निकाल चुका हूं। तुम तो मेरे लिए अल्लाह की नेमत हो, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूंगा। बस एक प्रॉब्लम है। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी सारी मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा देखो ये मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या तुम्हारा नन्ना मेहमान आने वाला है, अब उसकी मोहब्बत तो नहीं दे सकता मैं। आके रख दिया था आपको मुझे। बेवकूफ, अब किसी किस्म का डर, किसी किस्म का खौफ नहीं। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। Of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.